हाय फ्रेंड, मैं हूँ डॉक्टर भरत। क्या आपको कान के संबंधी अलग अलग तकलीफ बार बार होती रहती है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम ऐसा एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट सीखने वाले हैं कि जिनके जरिए आप कान के संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इलाज घर पर ही बिना किसी खर्चे के और बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है SI-19, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 19 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। चाइनीज लैंग्वेज में यह पॉइंट का नाम है टिंग गोंग, यानी कि हियरिंग पैलेस, सुनने का महल इनको बोला जाता है। बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। तो इनका पहले हम लोकेशन जान लेते हैं। इनको लोकेट करना बहुत ही आसान है। तो पहले आपको ईयर में जो यह उभरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है इनको पहले पकड़ लीजिए। इनको ट्रेगस बोला जाता है। तो यह ट्रेगस को पहले आप पकड़ लीजिए। अभी यह ट्रेगस से हल्का सा आपको आगे आना है, थोड़ा सा ही आपको आगे आना है, और फिर आपको अपना माउथ ओपन करना है। जैसे ही आप अपना माउथ ओपन करोगे तो आपकी उंगली एक खड्डे में चली जाएगी। तो वही हमारा एग्जैक्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो पहले आपको यह कान में जो उभरा हुआ पार्ट है जिनको ट्रेगस बोला जाता है इनको पकड़ लेना है, फिर इनसे थोड़ा सा आगे आना है, फिर माउथ को ओपन करना है और आपकी उंगली एक डिप्रेशन में चली जाएगी। तो वही हमारा एग्जैक्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट SI-19 है। तो फिर यह पॉइंट्स के फायदे हम जान लेते हैं। आपको किसी भी रीजंस की वजह से कान में कोई भी तकलीफ हो रही है तो यह पॉइंट आपको दबा लेना है। कान में आपको दर्द हो रहा है, कान में इन्फेक्शन लगी है जिनको ओटाइटिस मीडिया बोला जाता है, कान ब्लॉक हो गया है, ईयर आपका ब्लॉक हो गया, कान में पानी चला गया, या तो फिर आप फ्लाइट में जा रहे हो तभी आपको कान में सीवियर दर्द होता है, ईयर आपका ब्लॉक हो जाता है, तो इसमें यह पॉइंट 2 मिनट के लिए दबा दीजिए। आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगी। इनके अलावा यह पॉइंट टीनिटस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। टीनिटस यानी कि रिंगिंग साउंड इन ईयर, कान में आपको घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है जिनको टीनिटस बोला जाता है। तो इसमें भी यह पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इनके अलावा डेफनेस, हियरिंग लॉस में भी यह पॉइंट दबा के आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। TM जॉइंट पेन, यहाँ पर एक जॉइंट होता है हमारे जो का जॉइंट होता है जिनको टेम्पोरो मैनिबुलर जॉइंट बोला जाता है, इसमें अगर पेन हो रहा है, आर्थराइटिस इसमें हुआ है, या तो फिर कई बार हमारा जो माउथ है वह लॉक हो जाता है, फिर खुलता नहीं है, बंद नहीं होता है, तो इसमें भी यह पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इनके अलावा टूथ पेन, टूथेक में यानी कि दांतों में अगर दर्द हो रहा है तो इसमें भी यह पॉइंट दबा के आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यह इनके लोकल बेनिफिट है। इनके अलावा दूसरे भी यह काफ़ी सारे फायदे देता है, जैसे कि अगर आपको डिप्रेशन हुआ है तो इसमें भी यह पॉइंट दबा सकते हो, चेस्ट पेन में भी यह पॉइंट दबा सकते हो, एपिलेप्सी यानी कि सीजर्स की जिनको तकलीफ है उसमें भी यह पॉइंट दबा सकते हो। हालांकि यह पॉइंट के साथ थोड़े दूसरे पॉइंट्स भी दबाने जरूरी हो जाते हैं। तो इतने सारे फायदे आप सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के ले सकते हो। तो यह पॉइंट को सिर्फ आपको लोकेट कर लेना है, वहाँ पर हल्का सा दबाव देना है। दबाव जहाँ पर आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाए वहाँ तक आपको यह पॉइंट को दबाना है। 2 मिनट के लिए दबा के रखना है, फिर वहाँ पर इस तरीके से 2 मिनट के लिए आपको घुमाव देना है, रोटेटरी मूवमेंट देना है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही ईयर पेन में रिलीफ ले सकते हो। और अगर आपका प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो इसमें थोड़ा लंबे समय के लिए आपको यह ट्रीटमेंट कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी। तो यह एक आपका हैंडी पॉइंट है, किसी भी वक्त किसी भी जगह पर आप इनको इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।